अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। मैं हर रेसिपी इजी तरीके से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध का यूज़ किया था। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बॉईल करेंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो मैं इसमें से थोड़ा दूध निकाल लूँगी। आपको हमेशा चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा दूध जले ना। हम थोड़ा सा दूध बॉल में निकाल कर इसमें अच्छे से कस्टर्ड को मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे दूध में लम्स नहीं बनेंगे, हमारे कस्टर्ड में लम्स ना बनकर वो अच्छा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 2-2.5 चम्मच कस्टर्ड को मिक्स कर लूँगी उस बॉल में। मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा केसर भी ऐड किया है। केसर को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे हमारे कस्टर्ड में लम्स नहीं बनेंगे। अगर आप दूध कम यूज़ कर रहे हो तो कम कस्टर्ड डालना, अगर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा कस्टर्ड डाल लीजिए। इससे थिकनेस अच्छी आती है कस्टर्ड की। तो मैं यहाँ पर सैफरन डाल रही हूँ। मैं जैसे कि मैंने बोला, जब मैं कश्मीर गई थी तो लेकर आई थी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो नहीं डालिए। इससे भी टेस्ट अच्छा ही आता है। जब ये अच्छे से दूध बॉईल हो जाएगा फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करके इसे अच्छे से चम्मच से चलाते रहेंगे ताकि हमारा कस्टर्ड जले ना। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा फिर हम इसे फ्रिज में दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके रख देंगे। आपको इसे जब तब तक पकाना है जब तक इसमें अच्छी खुशबू कस्टर्ड की आनी स्टार्ट ना हो। अगर आप इसे थोड़ा ही पकाओगे तो इसमें से वो जो कस्टर्ड की कच्ची खुशबू है वो नहीं जाएगी और कस्टर्ड अच्छा नहीं बनेगा। तो आपको इसको 5 से 8 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए कस्टर्ड बनकर तैयार है। मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र करके। ये देखिए मैंने 1/2 घंटे के लिए इसे रखा था। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। फ्रूट ऐड करने के बाद भी आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 1 एप्पल लिया है, 1 अनार लिया था, 2 केले लिए थे बड़े और 1 कीवी मैंने यूज़ की थी। जो भी आपके पास फ्रूट्स हो आप उसमें ऐड कर सकते हो, 1-2 फ्रूट हो भी तो भी चलेगा। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़े अनार रखे थे गार्निशिंग के लिए। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हो, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने बादाम यूज़ किया था। आप इसे चॉप करके डालो या फिर ऐसे ही डालो, बादाम काजू वगैरह को आपके ऊपर है। तो मैंने सारे बादाम डाल दिए थे। और ये देखिए हमारा टेस्टी कस्टर्ड बनकर तैयार है। घर में आप ज़रूर ट्राई करना। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफिज़।